सर ऑडियो वायरल हो रहे हैं वृंदावन कोतवाल के, सर किस तरीके का मामला है? अभी आपके संज्ञान में लाया गया, मैं उस ऑडियो को देखकर एक जांच जो है एसपी सिटी को दूंगा और जो भी उसके जांच के आधार पर जो तथ्य निकलकर आए उसके आधार पर कुछ करेंगे। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है, पहले जय चौक इंचार्ज थे तो मुझ पर जबरदस्ती इन्वर्टर लगवाया और अपने कब्जे काम करवाया, उसके बाद बिंदा कुछ बार हो गए तो मुझे एप्पल का लैपटॉप ही मांगी, लैपटॉप ही मांग नहीं की तो मुझसे कहा कि तुझे झूठे मुकदमे फंसा दूंगा और कहने लगे तेरे खिलाफ बहुत तहरीर दे रहा है, तेरे खिलाफ बहुत तहरीर दिया है, मैं तेरी ये मदद कर रहा हूँ वो मदद कर रहा हूँ। और हकीकत बात ये है मुझ पर कोई ऐसा संगीन मुकदमा नहीं है, ना कि मुझे कोई 302 का मेरे पे मुकदमा है, ना कि मुझे 376 का मेरे पे मुकदमा है, ना कोई मेरे पे लूट का मुकदमा है। मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, एक मैं गांव का प्रधान हूँ, अगर अच्छा आदमी नहीं होता तो जनता मुझे प्रधान नहीं चुनती। आप मेरे गांव में जाकर देखो जनता के मैं कैसा हूँ, मेरा कैसा व्यवहार है, मेरे गाँव में कैसे काम किए जनता के नई दिखे। सुबोध कुमार मेरे ताऊ जी के बेटे के साथ उसकी दोस्ती है, इसीलिए उसके चक्कर में मुझे फंसा रहे हैं जबरदस्ती। आपसे अनुरोध करता हूँ, कप्तान साहब से अनुरोध करता हूँ कि मैं कोल्हापुर में हूँ 8 तारीख से और मेरे पास पूरे प्रूफ हैं और मेरा भाई भी यहाँ नहीं है। सत्य का सत्य होना चाहिए, जिसने घटना की है वो जेल जाना चाहिए और निर्दोष जेल नहीं जाए।